नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। काली पांच यानी कि ए शार्प एक ऐसा स्केल नोट है जो बहुत सारे लोगों का अपना सेल्फ स्केल भी होता है, खास करके फीमेल लोगों में काली पांच से गाना पसंद करती हैं, उनका वॉइस रेंज वैसा होता है। लेकिन काली पांच का अपना महत्व भी है इस स्केल का। काली पांच से फिंगरिंग का प्रैक्टिस निश्चित रूप से करना चाहिए, कॉर्ड पोजिशन के साथ फिंगरिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि काली पांच से आप सिंपली अगर आरोह अवरोह सिर्फ देखते हैं बिलावल थाट में यानी कि शुद्ध स्वरों में, तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि सिर्फ एक ब्लैक पटरी का सपोर्ट मिलता है। और ऐसे स्केल नोट जिसके अंदर व्हाइट पटरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जब होता है तो उसमें फिंगरिंग का प्रैक्टिस जनरली लोग नहीं कर पाते हैं और वहाँ फिर फंसता है फिंगर। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि काली पांच को स्केल बना के आप अगर इस बिलावल थाट में प्रैक्टिस करें लीडिंग का अकॉर्डिंग का, तो ऐसा स्केल जब आप चुनेंगे जिसके अंदर व्हाइट पटरी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग है, जहाँ ब्लैक पटरी का सपोर्ट फिंगर को नहीं मिलता है, तो आपको बहुत मददगार साबित होगा आपके लिए ये। जैसे मैंने जो कहा, एक बार देखिए इसका नमूना कि काली पांच से अगर सिंपली सारे गामा बजाते हैं तो राइट फिंगरिंग क्या होगा, और एक ही ब्लैक पटरी का सपोर्ट मिलने के बाद भी कैसे आप कर सकते हैं सा रे गा मा यहाँ जो मो नोट है सा रे गा मा, सिर्फ ये ब्लैक आता है, बाकी सारे के सारे वाइट हैं। तो इसका पोजीशन फिर से एक बार देखिए, और इसी पोजीशन में आपको पहले तो इस वीडियो के जरिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉर्ड पोजीशन भी बताऊँगा, एक खास अलंकार बताऊँगा ताकि फिंगर का प्रैक्टिस आपका ज़बरदस्त हो जाए, और राइट पोजिशन में सिंपल तरीका से सिंपल अलंकार भी एक बताऊँगा। तो दो तीन चीज़ें हैं, कॉर्ड भी है अलंकार भी है, तो आप इसको सही से, सबसे पहले तो आपका फिंगर सेट हो जाए, इसके लिए इस अंदाज में आपका फिंगर स्टाइल होना चाहिए सा रे, रे में अंगूठा, गा मा पा, पा में अंगूठा, धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यहाँ से आने में यहाँ पे बहुत स्पेस मिलता है, ये दोनों में से कोई फिंगर आप रख सकते हैं सा नी धा पा मा, मा में ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं मा गा रे सा, ज्यादा कंफर्टेबल मिडिल फिंगर है। ओके सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। एक तो ये कर लेना है, उसके बाद आता है एक सिंपल अलंकार, फिर कॉर्ड पोजीशन और एक एडवांस अलंकार, तो दोनों चीज आपको करना है। सिंपल अलंकार में ये कर सकते हैं सा धा नी सा, ताकि वॉइस रियाज भी हो, मॉर्निंग टाइम में मेल लोग भी कर सकते हैं इसको स्केल बना के। नीचे मंद्र सप्तक का धा लग रहा है सा धा नी सा रे नी सा रे गा सा रे गा, और या फिर ग सा रे गा, गा में उठा लेंगे तो ग सा रे गा, दो फिंगर का काम हो जाएगा ग सा रे गा, ऐसे मा रे गा मा पा, यही से लेना है पा गा मा पा पा गा मा पा, उठा के साथ लेते हैं तो फिंगर फ्री हो जाएगा पा गा मा पा पा, पा में पहला स्टार्टिंग में ये लेना है, बाद में अंगूठा स्किप कर जाएगा पा गा मा पा, ऐसे धा मा पा धा नी पा धा नी सा ना नी सा, और वापस जाने में सा गा रे सा, सा गा रे सा नी रे सा नी
ध सा नी ध प नी ध प म ध प म ग प म ग ऐसे लेते हैं तो ग प म ग ग में अंगूठा से उठ रहा है और ये आता है ग प म ग रे म ग रे रे म और यहाँ से आपको चेंज करना है रे म ग रे रे म ग रे रे म ग रे सा ग रे सा इस हिसाब से फिंगर को सेट करके थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा इस अलंकार को फिर कॉर्ड पोजिशन देखिए सा ध नी सा रे नी सा रे ग सा रे ग ग यहाँ से ग सा रे ग म रे ग ग सा रे ग रे में उठा देगी ग सा रे ग म रे ग प ग म प प ग म प प अगर ऐसा ये फिंगर लेते हैं फिर आगे जाने में दिक्कत होगा प ग म प ध म प ध नी प ध नी और यहाँ पे अंगूठा का सपोर्ट लेंगे तो सा के लिए फिंगर बचेगा नी प ध नी नी प ध नी सा ध नी सा ओके अब बाद में वापस आने में यहाँ लेके सा ग रे सा ग रे सा इसी से उठाइए सा ग रे सा नी ध सा नी प नी ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे सा ओके इसको कॉर्ड के साथ इसी पहले तो सिंपल अलंकार कर लेंगे आरो अवरो कॉर्ड के साथ सा तो इसमें सा ग प यही पोजीशन रखिएगा सा रे रे म था रे म था एक साथ बज रहा है रे ग ग प नी ग म म ध सा प फिर वही ग प नी फिर ध फिर म ध सा नी प ध नी ग प नी नी सा बहुत सारे लोग कॉर्ड में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जैसे ये कॉर्ड एक कॉर्ड जो बजेगा तीन नोट बजते हैं और तीनों नोट का वो कॉर्ड बनता है अगर ये सपोज कि ग प नी ले रहे हैं तो ये नी के लिए भी यूज होगा प के लिए भी और ग के लिए भी ये म ध सा ले रहे हैं तो म के लिए भी यूज होगा ध के लिए भी और सा के लिए ये ध्यान रखिए किसी भी कंपोजिशन में ऐसा होता है सा वही म ध सा नी ग प नी ध प ग प नी म ग रे सा अब यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे नोट दो ही कॉर्ड के अंदर है ऐसा आगे चल के गाना भी होता है बहुत सारे कि दो तीन कॉर्ड के अंदर पूरा गाना आप गा सकते हैं यहाँ कैसे था सा म ध सा नी ग प नी फिर ध फिर म ध सा ले सकते हैं प ग प नी ले सकते हैं म फिर वही तो यही दो कॉर्ड अल्टरनेट हो रहा है सा नी ध प म ओके ग फिर वही है रे में चेंज होगा रे सा अब इस कॉर्ड के साथ कंपोजिशन के साथ एक एडवांस अलंकार बताता हूँ जिसमें इस कॉर्ड का प्रयोग करके आपको गाना है ताकि फिंगर पूरा सेट हो जाए वो क्या होगा कैसा कंपोजिशन है सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प फिंगर थोड़ा चेंज करके कॉर्ड लेना है प में ग प नी का कॉर्ड बनता है प में ये कंपोजिशन रुका फिर से देखिए लीडिंग में क्या था सा रे ग म प प तक आना है और यहाँ से लौटना है सा रे ग म प म ग रे ये एक पार्ट है सा रे ग म प म ग रे अब फिर से सा से प तक पहुँचना है सा रे ग म प और ये प जो नोट यहाँ से ये फिंगर आया है फिर से देख लीजिए इसको कैसे कॉर्ड पोजिशन में फिंगर चेंज हो सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प अब ये प के पास कॉर्ड लेना है यहाँ का दो कॉर्ड कभी कभी एक एक स्वर का दो दो कॉर्ड बनता है ये भी कॉर्ड बन सा ग प अगर ऐसा लेते हैं तो आपको फिंगर चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प
लेकिन यहाँ का एक और कॉर्ड पोजिशन जो पहले बताया था ग प नहीं बनता है, तो उसको लेने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। सारे ग म प म ग रे सारे ग म प। अगर प के फिंगर को ही आप म के फिंगर को ही आप प में ले आते हैं तो पोजिशन ऑलरेडी बन जाएगा। कैसे था? सारे ग म प म ग रे सारे ग म। यहाँ से उठा लीजिए प, ये यहाँ आया प में, ये रखिए। ये रखने से लीडिंग ठीक है, लेकिन कॉर्ड लेने के लिए ये फिंगर को यहाँ के बाद प में ऐसे सारे ग म प म ग रे सारे ग म प। ये पोजीशन कॉर्ड का देख लीजिए कैसा है। रे से चलेंगे, अलंकार को आगे बढ़ाएंगे रे से, फिर ऐसा ही कंपोजिशन है रे ग म प ध ध तक आएंगे। जैसे सा से चले प तक आए, रे से चलेंगे ध तक आएंगे रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध। ध का कॉर्ड में कोई टेंशन नहीं है, ऑलरेडी कॉर्ड ही है मादा सा। फिर से देख लीजिए रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध। ये लीजिए मिडिल फिंगर, ओके। अब फिर यही कंपोजिशन ग से चलेगा ग प ग म प ग म प ध नी। अब ग से चलेंगे तो नी तक का कंपोजिशन बनेगा ग म प ध नी ध प म। अब फिर नी पे जाके ग म प ध नी, नी में ये फिंगर आएगा, यहाँ का कॉर्ड पोजिशन ग प नी, कहीं टेंशन नहीं है ग प नी, ओके। लास्ट में फोर स्टेप है म प ध नी सा नी ध प म प ध नी सा। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, मादा सा का कॉर्ड है। वापस आएंगे ऐसे ही है, 1 2 3 4 5 फाइव नोट का कंपोजिशन सा नी ध प म प ध नी। ये एक पार्ट हुआ सा नी ध प म प ध नी। वापस में सा नी ध प म। ये अब रोका फर्स्ट स्टेप सा नी ध प म प ध नी सा नी ध प म। नी नी से चलेंगे ऐसे फाइव नोट, यानी कि ग तक आएगा नी ध प म ग म प ध नी ध प म ग। ग में उठा ग प नी नी, ये हाँ ग पे आया नी ध प म ग म प ध नी ध प म ग। ध से चलेंगे ध प म ग रे ग म प ध प म ग रे। रे का कॉर्ड रे म ध ऐसे लेंगे, और उसके बाद लास्ट पॉइंट प प में प म, यहाँ से लीजिए ये फिंगर प म ग रे सा रे ग म प म ग रे सा। थोड़ा फास्ट करेंगे पहले स्लो फिर फास्ट सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प ऐसा लीजिए। या पहला एक कॉर्ड और जो बताया था वो लेते हैं तो सा रे ग म प म ग रे सा रे ग म प रे ग म प रे ग म प ध प। अंगूठा यहाँ रहना है रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध। दो कॉर्ड यहाँ का ही बनेगा ध का, एक तो ये बन सकता है ग रे म ध, एक कॉर्ड ये भी बनता है और नहीं तो माधा सा रे ग म प ध प म ग रे ग म प ध। अंगूठा बाद में रख के ऐसा कर सकते अंगूठा भी रख सकते। तीसरा पॉइंट ग म प ध नी ध प म ग म प ध नी। ये कॉर्ड म प ध नी सा नी ध प म प ध नी सा नी ध सा नी ध प म प ध नी सा नी ध प म नी ध प म ग म प ध नी ध प म ग। के लिए कॉर्ड ये ध
प म ग रि म ध प म ग रि ग म प ध प म ग रि रि म ध प म ग रि प म ग रि सा रे ग म प म ग रि सा। एक एक पोजीशन को कई कई बार करके फाइनल करना है। सारे ग म प म ग रि सारे ग म प। अब ये आ गया तो ये पढ़ लो। सारे ग म प म ग रि सारे ग म प। तो एक एक स्टेप को कई कई बार करके फाइनल करना है ताकि फिंगर कभी फंसे नहीं। कैसा भी स्केल नोट आपको ब्लैक पटरी का मिले या व्हाइट पटरी का दिक्कत ना आवे।